ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे एक व्यूवर ने भेजा है और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है आप खुद देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि पेपर जो है एक साइड से पूरा ले रहा है और दूसरे साइड अटक जा रहा है, खींच नहीं पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर उन्होंने मेरे से यहाँ पर चैट किया तो सिर्फ एक ही बात मैंने बताया मैंने कि आप इस तरीके से ट्राई कीजिए तो आपका प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में दिखाए गए स्टेप को आप किसी भी प्रिंटर पर ट्राई कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई सा भी मॉडल हो, और जो कि प्रोसेस जो है सभी सेम ही रहेगा दोस्तों। और प्रॉब्लम तो एक ही है इसमें जो है, आपका सिर्फ पेपर जाम हो सकता है या फिर कुछ भी जो चीज़ है वहाँ पास फंस सकता है, तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। या फिर आपके साइड का एक आध रोलर टूटा हुआ है जो छोटा छोटा लगा रहता है, अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा, तभी आपको ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन 99% जो है ये प्रॉब्लम जो है पेपर जाम की वजह से आता है। अगर छोटा मोटा टुकड़ा अगर कॉर्नर में फंस जाता है रोलर के पास, तो ये प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पास प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, जो कस्टमर जो कि मेरा व्यूअर ने भेजा है, 3110 प्रिंटर है। तो यहाँ पास भी मेरे पास भी अवेलेबल वही प्रिंटर है, तो मैं यहाँ पास आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वो आप जो है कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास देखिए ये जो है इसको स्कैनर को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं हम स्कैनर के सामने दो स्क्रू दिया हुआ है, एक इस साइड दिया हुआ है और एक इस साइड दिया हुआ है। तो ये दोनों स्क्रू हम अगर निकालते हैं तो हमारा स्कैनर जो है बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम ये दोनों स्क्रूज जो है यहाँ पास से निकाल देते हैं और जो है हम स्कैनर को निकाल के दिखाते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं इसको जो है एक एक करके सारे केबल निकाल लेते हैं, इसका पावर के लिए जो दिया है वो, और स्कैनर के लिए है उसको। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पास जो है थोड़ा सा लॉक है, उसको निकालना करके आपको। वो थोड़ा सा खिसका के निकालना है इसको, यहाँ पास देखिए ये बस लगा रहता है ये लॉक जो है। तो अब हमारा स्कैनर जो है बाहर आ गया है दोस्तों। अब आपको सिंपली क्या करना है वो देखिए, स्टेप जो है तो ये हमारा पीछे का साइड हो गया प्रिंटर का। अब देखिए हमको पेपर जो है, जैसे कि मैंने आपको जो मेरे व्यूवर को बताया था वही स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको एक मोटा पेपर ले लेना है, चाहे आप 200 GSM से ऊपर का ले सकते हो या फिर 100 GSM से ऊपर का भी कोई सा भी पेपर ले सकते हो। तो इसको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पास एक साइड जो है प्रिंटर पेपर जो है आगे फंस रहा है, तो इसके लिए आप जो है क्या कीजिएगा, ये पेपर आपको सिर्फ यहाँ पास ऐसे डायरेक्ट डालना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह से रख के इसको प्रेस करते हो तो ये रोक देगा, इसका पिकअप के लिए जो लगे हुए हैं ये जो है रोक देगा। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ पास से थोड़ा सा उठा के लगाना है इसको, इसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से ये। अब हम क्या हो गया, अगर हम अब प्रेस करते हैं पेपर तो आगे जा रहा है, ये देखिए ये पेपर आगे चला गया। कहाँ पास चला गया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए पेपर हमारा यहाँ तक आ गया, ये जो रोलर देख रहे हैं आप जो है यहाँ तक हमारा पेपर आ चुका है। और जैसे कि वीडियो पे आपने देखा कि पेपर इस साइड से निकल रहा था और यहाँ पास आके पेपर जो है फंस रहा था, मतलब इस साइड जो है कुछ जाम था उनका। और जो कि इसके लिए आपको क्या करना पड़े, सिंपली ये जो आपके इनकोडर के लिए जो रोलर लगा हुआ देखिए, इसको आपको क्या करना है, हल्का सा आपको जो है घुमाना है। किस साइड घुमाना है, अगर पेपर खींचता है इस साइड, मतलब अपने तरफ इसको घुमाना है। तो देख सकते हैं ये हमारा पेपर बाहर आने लग गया है ना। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो छोटा मोटा जो टुकड़ा होगा ये पेपर के साथ आपका वो जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आप फोटो कॉपी पेपर को इसमें ट्राइप करते हैं तो वो जो है बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो फट जाएगा वो पेपर जो है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटा पेपर यहाँ पास यूज़ कीजिएगा ताकि वो निकल जाए। अगर आपके में कुछ और दूसरा चीज़ का टुकड़ा फंसा होगा तो आप यहाँ से ईजिली उसको जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अब ये पेपर जो है बाहर आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके हाथ में पकड़ते जितना बाहर आ जाता है इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पास से अब इसको इस तरीके से खींच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो है पेपर हम डायरेक्टली इस तरफ खींच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका किसी भी रोलर वगैरह पे।
और देखिए अगर रोलर आपका ये छोटे छोटे जो रोलर लगे हुए हैं ये अगर भी अगर आपका जाम होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पेपर भी जैसे जैसे के तैसे वैसे बाहर आ गया हमारा। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर इस ट्रिक का अगर आप जो है यूज़ करते हो तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी मैं अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, लोग मेरे को वीडियो भेजते हैं, तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो है कर सकते हैं।